झारखंड पुलिस सेवा के 24 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को सम्मानित किया है, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। सभी अधिकारियों को बैज लगाकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड पुलिस की ओर से किया गया था। पिपिंग सेरेमनी में सीएम ने सभी अधिकारियों को सम्मानित किया है। मुझे लगता है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा जरूर समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप लोग अस्वस्थ होकर, निर्भीक होकर अपने मैदानों में ईमानदारी से काम करें और सरकार की जो जिम्मेवारी है पदाधिकारियों के प्रति और सरकार की जो संवेदनशीलता है आम नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए, और यही वजह है कि आप सब लोग को मालूम होगा कि यह देश का पहला जहां राज है जहां पुरानी पेंशन से हमने अपने कर्मचारियों को पुनः अभी शायद कुछ लोग अभी रिटायर भी होने वाले हैं जिनको पुराने पेंशन मिलने वाले हैं, जो मुझे जानकारी मिली। और काफी उत्साह है लोगों के बीच में इस विषय को लेकर कि हमको अब जो हमारे रिटायरमेंट होगी उसमें जो हमें पेंशन का लाभ मिलेगा वो पुराने पद्धति से मिलेगा। अलग अलग जो पुलिस के बेंच हैं उसमें रह करके बसों में अपने काम को अंजाम दे रहे थे और आप सभी लोग बहुत ही अनुभवी हैं और ये भी एक इतना ऐतिहासिक क्षण है कि आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इतने वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद लगातार 24 की संख्या में पदाधिकारियों को आईपीएस में इंडक्ट होने का मौका मिला। दूसरे राज्यों की अपेक्षा में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे भी राज्य हो, वहाँ पर समय जो है काफी अधिक लगता है। आप लोग फॉर्चुनेट हैं, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि आप लोगों की प्रोन्नति होकर के आप भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हो। कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो एक अच्छा टीम लीडर होता है, अब आप टीम को लीड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? मैं जिस तरह से अगर कोई भी खिलाड़ी हो उनको मैं अभी भी बोलती हूँ और उन लोगों को हमेशा ही उदाहरण देती हूँ कि मैं जिस तरह मेहनत की हूँ आप लोग भी उसी तरह मेहनत की, जरूर आप लोगों को भी सफलता मिलेगा जिससे मैं एक कांस्टेबल से होकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और अब ये बताइए कि अब यहाँ तक का सफर तय हुआ है और किस तरीके से, अब मुख्यमंत्री ने भी जो है उम्मीद जताई है, परी अधिकारियों ने भी, ये हमारे लिए काफ़ी खुशी का क्षण है और सच कहें तो गौरव का समय है, हमारे लिए गौरव का क्षण है क्योंकि जब हम लोग नए सर्विस में आए थे तो उस वक्त हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम लोग को आईपीएस में प्रोन्नति मिलेगी, परंतु ये पुलिस मुख्यालय के प्रयास से, गृह विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से काफ़ी कम समय में हम लोग को ये 24 आईपीएस के रूप में इंडक्शन हुआ है